बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं। नॉर्मल बंदा करे आधे जला दे वो। ये देखो उस पैन पे एक है, इस पैन पे एक है, इस पैन पे एक है और इस पैन पे एक है, चारों पे अभी लगे हुए भैया, चार संभाल जाए। वेज ऑमलेट कह लो इसको, देखो कितना पौष्टिक, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, एकदम हाइजीन के साथ ग्लव्स पहन के। और ये बड़ा जी केसर वाला फलूदा। तो आई गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और दिल्ली की सर्दी के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग फिलहाल हैं करोल बाग की एकदम भारी भरकम कोरोना वाली भीड़ की गलियों में, जहाँ पे सब लोग मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हुए हैं। आज हम लोग आपको खिलाने लाए हैं कुछ हेल्दी, कुछ यूनिक और कुछ अटपटा सा केबी चाट पे आए हैं हम लोग। समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा भाई आपका फेवरेट चाट कौन सा है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डबल बटर होगा। अच्छा, डबल बटर और क्रिस्पी होगा, एक स्पेशल बटर कर दो। ये कितने इंच का पैन होता है? अच्छा, आइडिया नहीं। आप फुर्ती से बनाने का जानते हैं, देखो कितनी फास्ट फास्ट बना रहे हैं। ये नॉर्मल वाला है, ये देखो, ये वो दाल है ना जो दाल फेंटी में, उसके अंदर ये नो डाला है, प्याज डलेगा इसके अंदर, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम, नमक। वेज ऑमलेट कह लो इसको, पूरा फेंट के। क्या फास्ट तरीके से काम हो रहा है ना भाई, अल्ट्रा फास्ट। इन गोज बटर। ये डबल वाला स्पेशल लग रहा है भाई, डबल बटर एक्स्ट्रा क्रिस्पी। और ये पड़ गया धनिया, सिंपल सी प्रिपरेशन है बड़ी। इसके अंदर ना पीसी हुई दाल है, मूंग दाल है, वो देखो वहाँ पे पीसी हुई मूंग दाल है, और उसके अंदर सब्जियाँ पड़ी, बटर पड़ा, और अब ये बैटर लग गया, उस पर धनिया पड़ा, और इसके अंदर जूलियंस पड़े, किसके, बीटरूट के, चुकंदर के जूलियंस, फ्लिप आया एक सिंपल। और जो फ्लफ आ रहा है ना इसका, ये जो फर्मेंटेशन है ना मूंग दाल की, उसकी वजह से है। सो अलग चीज़ है ना, बहुत ही यूनिक चीज़ है ना ये, काफ़ी यूनिक, मेकिंग काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर लोगों को देखने में मज़ा आ रहा होगा। ये वो वाली चीज़ है कि आप देखते देखते ना आपका और मन करेगा खाने का। स्पेशल का क्या कॉस्ट है, स्पेशल का क्या प्राइस है? 100 रुपीज़। और नॉर्मल का 80। आय है बटर, कितनी देर में बन जाता है ये? 2 मिनट, 3 to 4 मिनट। बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं। नॉर्मल बंदा करे आधे जला दे वो, 3-4 एक साथ चला रहे, आदत होगी होगी आपको बनाने की। कोरोना की वजह से कम है। हाँ, मैं वही, चार पैन लगे, वरना 8 पैन लगते हैं। 8 पैन लगते हैं, 8 एक साथ संभालते हो आप? नहीं, एक पार्टनर में होता है। अच्छा, 4-4 संभालते हो, बंदा एक ना संभाल पाए, और हाई गैस पे चला रहे हो सारे, टैलेंटेड हो आप बड़े। ये देखो, ये दाल का बैटर पड़ा, इसमें प्याज पड़े, स्वीट कॉर्न्स पड़े, कैप्सिकम्स पड़े, नमक पड़ा, एंड सिंपल नाउ फिटिंग। बिट्टू भाई का स्पेशल केवी चाट का करोल बाग का मूंगलड़, थोड़ा फैंसी गिमिकी शिमिकी फॉर द कैमरा शेफ। पट 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 पट, एक्स्ट्रा बटर। ओए होए, मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार। ये देखो उस पैन पे एक है, इस पैन पे एक है, इस पैन पे एक है और इस पैन पे एक है, चारों पे अभी लगे हुए भैया, चार संभाल जाए, बंदा एक संभाले तो जला दे। ओए यार, क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये भाई, लुक सो प्रिटी, सो प्रिटी। सिर्फ मूंग दाल है ना बैटर में, देखो कितना पौष्टिक, हेल्दी, न्यूट्रिशियस। आज मैंने आपकी सुबह मॉर्निंग में वीडियोस देखा था। किसका? अच्छा, मेरी। अच्छा, आप देखते हैं क्या वीडियोस? अच्छा, तो भैया जानते हैं, पिज्जा मोमोज की। अच्छा, फेसबुक पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, भैया जानते हैं वेजी बाजी को। ए लो जी, आपका क्या नाम है भैया? दीपक जी। भैया बड़े टैलेंटेड है, 4-4 संभाले, हमसे एक ना संभलता, हमें खाना दिखाना आता है। दीपक जी और हाँ, फादर है मेरे। अच्छा, आपके फादर हैं भाई, बड़ी मस्त चीज़ लाए हो आप ये मार्केट में। चलिए आपको टेस्ट दिखाते हैं इसका। ओके, आ जाओ जी,
मूंगलेट क्या चीज़ है बेसिकली? मूंगलेट मूंगफली डाल के बैटर का बनता है एक। अच्छा, एक कंसेप्ट हमने तैयार करा था। हाँ जी, कितना कितना टाइम हो गया इसको? इसको सन 2012 में करा था। अच्छा, 8 साल हो गए। अच्छा, और आपकी कोई एक स्पेशल चटनी भी है? हाँ, खजूर चटनी है हमारी। खजूर चटनी है, आलू फ्राई लगा हुआ है, गोलगप्पे वगैरह। हाँ, हाँ। और मूंगलेट आपकी जैसे कहते हैं ना, एक पहचान जो होती है। अच्छा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बिट्टू है, बिट्टू दिनेश कुमार। बिट्टू जी, बिट्टू जी के फेमस केवी चाट के मूंगलेट। हाँ, करोलबाग का लजीज जायका। सही बात है, बिल्कुल सही। ओके गाइस, दिखाते हैं आपको लजीज जायका। बिट्टू भैया ने स्टार्ट किया था जी इसको आज से 8 साल पहले। उनके जो बेटे हैं दीपक जी, वो निकले हमारे व्यूअर। इतना प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही है। स्पेशल मूंगलेट है, इसमें डबल बटर घेरा हुआ है, ओए होए, खजूर की चटनी के साथ, वो भी स्पेशल इनकी चटनी। स्पेशल मूंगलेट पे स्पेशल खजूर चटनी केवी चाट पे। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने 1-1.5 साल पहले खाया था, तब का टेस्ट मेरे को अलग याद था कुछ, ये कुछ अलग है। वो यहाँ पे बनाने और वहाँ बनाने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है ना। बहुत सही है भाई, मैं यहाँ पे पहली बार खा रहा हूँ। वहाँ पर इतना प्यार से खिलाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं यहाँ पे पहली बार खा रहा हूँ, तो यहाँ पे और अच्छा लग रहा है मेरे को टेस्ट। मैंने इनका 1.5 साल पहले कोई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हुआ था कनॉट प्लेस में, वहाँ पे खाया था, तो यहाँ पे पहली बार आके खा रहा हूँ, अलग ही टेस्ट। ये जो एकदम फ्लफ़ी हो गया ना, ये फ्लफ़ी वेजिटेरियन ऑमलेट कहूँगा इसको मैं। ये देखो, इस चीज़ का जो टेक्सचर है ना, इसका कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त है। एक ये उठाया और देखो, बड़ा सिंपल काम है। एक ये मूंगलेट का एक आपने ट्रायंगल उठाया, इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, भरत मिलाप कर दिया सबका। बढ़िया लगा। अब दिखाते हैं आपको कुछ और बढ़िया, कुल्फी खिलाते हैं, रोशन की बड़ी फेमस है यहाँ पे। ये जी खा रहे हैं हम लोग जी रोशन जी का स्पेशल फलूदा कुल्फी। किधर निकल रहे? इधर, पूरी जमी हुई कुल्फी है, फलूदा कुल्फी। 140 रुपीज़ इसका प्राइस। आए है द वेरी फेमस रोशन जी की फलूदा कुल्फी, करोल बाग में अभी हम लोग हैं। एकदम हाइजीन के साथ ग्लव्स पहन के, ये पड़े इसके अंदर सफ़ेद वाला चाशनी, और ये केसर वाला फलूदा। हाँ जी, एक हमारा भी लगा दो। लग रही है। अच्छा, अब तक बनाइए तीनों का। ठीक है, एकदम जमी हुई कुल्फी होती है, नॉर्मल पानी में डालते हैं ताकि वो बाहर निकले, उस पर डालते हैं नॉर्मल वाला फलूदा, फिर डालते हैं चाशनी, और ये पड़ा जी केसर वाला फलूदा। ये लो जी, ये इधर आ गई, यहाँ से उठाया एक चम्मच, ये उठाया जी दूसरा चम्मच, ये हो गया आपकी रोशन जी की कुल्फी। बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है, कुछ इसके अंदर मेरे को खास नहीं लग रहा अभी तक, बट जो सारा टेस्ट है मेरे हिसाब से इनकी कुल्फी के अंदर है। ये देखो जी, ये कुल्फी है, और ये चाशनी से इसके अंदर डाली है फलूदा नॉर्मल और केसर फलूदा कुल्फी के साथ। 140 रुपीज़ करोल बाग रोशन दी कुल्फी RDK। ऐसे कर रहा आदत हो गई ना गर्म खाने की, सर्दियों में जो ठंडा खाना खाए वो है डेयर डेविल, वो है खतरों के खिलाड़ी, वो है रोड़ी। बहुत सही है भाई, मैं कह रहा हूँ जो इसकी कुल्फी है ना, क्या बढ़िया लेवल की कुल्फी है। और जो फलूदा के साथ जो टेक्सचर है ना इसका, मतलब मैंने बहुत फलूदा कुल्फी खाए हैं, बट इसके अंदर आप देखो प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुल्फी निकाली बस, उसको नॉर्मल पानी में डाला ताकि वो बर्तन से बाहर निकाल सके, उसके ऊपर गिरा नॉर्मल वर्मेसेल, उस पर गिरी चाशनी, उस पर गिरा केसर वाला वर्मेसेल, और दे दिया पकड़ा के। पर जो सारा टेस्ट है ना, सारे पैसे हैं इनकी कुल्फी के। बिल्कुल भी ओवर हाइप नहीं है, बहुत बढ़िया जायका है।
आपको मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा दिल्ली की सर्दी में क्या देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बहुत सारे गाइस वो ना थोड़े शॉर्ट्स पीछे ओवर एक्सपोज आए थे तो ऐसे ही नॉर्मल खा रहे हैं, हमें तो खाने का बहाना चाहिए होता है। यहाँ से थोड़ी कुल्फी, ये देखो कुल्फी के अंदर भी ना ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, पिस्ता डले हुए हैं, बादाम डले हुए हैं। यहाँ से कुल्फी ली, यहाँ से फलूदा लिया, यहाँ से गया मुँह में।